नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम लोग देखेंगे वो नॉर्मली एक नया प्लगइन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है जिसको मतलब स्टॉक प्लगइन के अंदर दे दिया गया है। तो स्टॉक प्लगइन के अंदर जो जो प्लगइन के बारे में हम बोल रहे हैं वो है वोकोडर। ध्यान से देखिए, एक्चुअली वोकोडर सेटिंग कैसे करना पड़ता है। जैसे कि पुराना एक कीबोर्ड है रोलैंड का, आप लोग देख सकते हो, VP550 बोल के कीबोर्ड है, जिसमें आप लोग अगर कॉर्ड बजाओगे तो नॉर्मली वोकोडर क्या काम करते हैं वो थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, ठीक है, ये हम लोगों का कीबोर्ड है, तो इस पे कीबोर्ड का रीड है। तो जो जो कॉर्ड हम लोग प्ले करेंगे वो कॉर्ड मिडी नोट से जाके एक ऑडियो में ट्रिगर करेगा। तो जो ऑडियो में वोकोडर प्लगइन रहेगा, और हम लोग कोई भी साउंड दे, जो कॉर्ड हम दे रहे हैं वही साउंड से, मतलब वही कॉर्ड से आवाज़ निकलेगा। जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कुछ ऐसा स्केल में, जैसे कि बी फ्लैट में बोल रहे हैं, ठीक है, बी फ्लैट में कोई गाना गा रहा है, नहीं तो बी फ्लैट में कोई आवाज़ दे रहा है, ठीक है, मगर कॉर्ड इधर पकड़ा है सी मेजर, ठीक है, सी मेजर पकड़ा है, तो ये वोकोडर का कारण से क्या होगा, जब सी मेजर इधर से जाएगा तो वो ये आवाज़ बी फ्लैट में नहीं होगा, सी मेजर में हो जाएगा, इसको वोकोडर बोलते हैं। तो देखिए क्या हम सेटिंग कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। वोकोडर एडजस्ट करने के लिए आप लोगों का पहला एक मिडी ट्रैक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक मिडी ट्रैक ले रहे हैं, मिडी ट्रैक हो गया, तो मिडी ट्रैक को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐड कर दे रहे हैं किसी से ना, ये ऑल मिडी इनपुट में रहेगा और नॉट कनेक्टेड, मतलब आउटपुट जो है वो नॉट कनेक्टेड है, अभी तक नॉट कनेक्टेड है। अभी हम क्या कर रहे हैं, और एक ऑडियो ट्रैक ले रहे हैं, ऑडियो ट्रैक ले रहा है, इसको इसको इसमें हम लोग वोकोडर लगाएंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग गाना गाएंगे, इसमें हम लोग कोई आवाज़ देंगे, और जो कॉर्ड हम लोग प्ले करेंगे कीबोर्ड में, जो कॉर्ड प्ले करेंगे तो वही कॉर्ड से ये रिकॉर्ड होगा, वही कॉर्ड से ये ट्रिगर करेगा। इसके अंदर ई बटन को प्रेस करके हम लोग वोकोडर लिखेंगे, ठीक है, वोकोडर लिख दिया है। अभी देखिए ये है वोकोडर, तो इसके अंदर बहुत सारा पैरामीटर है, बहुत सारा चेंजेस भी आप लोग कर सकते हो, और जैसे कि इतना अच्छा कुछ कर सकते हो, जैसे डीजे में कुछ काम हो सकता है बहुत अच्छे से, कोई भी गाना में दे सकते हो, इस टाइप का कुछ फन टाइप का चीज़ कर सकते हो। तो ये पैरामीटर तभी काम करेगा जब इसे मिडी से ट्रिगर होगा। देखिए अच्छा से देखिए, ये वाला दोनों हमारा दो ट्रैक हम लिए हैं, तो एक में ये ऑडियो ट्रैक है, ये ऑडियो जो जिसमें हम लोग गाना गाएंगे, और प्लस इसके अंदर वोकोडर प्लगइन लगाया है, ओके। और ये वाला जो है ये हम लोग मिडी ट्रैक लिए हैं जिसमें हम लोग कीबोर्ड प्ले करेंगे, कीबोर्ड प्ले करेंगे, कीबोर्ड के कॉर्ड बजाएंगे। तो अभी ये वाला कॉर्ड इधर देना पड़ेगा, मतलब इसका जो ट्रिगरिंग है, जो इसका जो मिडी सिग्नल है, इसके अंदर डालना पड़ेगा, तभी ये वोकोडर होके दूसरा साउंड में निकलेगा। तो वो कैसे बनाएंगे, तो ये मिडी का देखिए इनपुट तो ठीक है, ये जो नॉट कनेक्टेड लिखा जो है इधर इधर नीचे का जो पोर्शन है ये चैनल का पोर्शन है, ये वाला चैनल का पोर्शन है, ठीक है। अभी ये नॉट कनेक्टेड जो है इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे कौन सा, ना ऑडियो ट्रैक, वोकोडर, मिडी इन। देखिए मिडी अच्छा से देखिए, ऑडियो 02, ऑडियो ऑडियो 02 जाएगा किस में, ना ऑडियो 02 अटैच किस किसका साथ होगा, ना वोकोडर का साथ होगा। तो अभी देखिए इसमें हम लोग जब ट्रिगर कर रहे हैं मिडी सिग्नल आ रहा है, ठीक है, मिडी सिग्नल जा रहा है, मतलब इसका इसका निकल रहा है मिडी सिग्नल कीबोर्ड से जब प्ले कर रहा है, और इधर जो वोकोडर है, वोकोडर में अगर हम लोग इसको खोल कर रखे, अगर हम लोग इसको प्ले करें तो इसमें अभी कुछ नहीं आ रहा है, अगर जस्ट हम इसको मॉनिटर को ऑन करेंगे, हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, हेलो हेलो हेलो। तो अभी देखिए कॉर्ड हम जो दे रहा है, अभी ये वाला कॉर्ड जिसमें हम लोग बोल रहे हैं उसमें नहीं हो रहा है, बेसिकली बैंड जो है इसमें चेंज हो रहा है, तीन तीन बैंड में हो रहा है, नहीं तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, तो ये थोड़ा बैंड चेंज होगा, तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे कि नॉइज़ मिक्स, हेलो हेलो, चेक चेक चेक, 1 2 3 4 5 6 7, हम अभी कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं, ठीक है, हेलो हेलो, चेक चेक चेक, हेलो हेलो, थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट को बढ़ा देता है, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 4 5 6, हाँ, इसका भी
मुनि मुनि मीडिया ऑडियो को एनेबल करना पड़ेगा, गलती से हम उसको एनेबल नहीं किया। हम एक ही आवाज दे रहा है मगर कॉर्ड हम लोग चार चेंज किया है। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको इसका साथ बजा रहे हैं, ठीक है, कॉर्ड दे के बजा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, चिक चिक चिक, हम लोग चलाते हैं इसको। हाँ, प्ले कर रहा है, कीबोर्ड का साथ साथ ये प्ले हो रहा है। हेलो, अभी देखिए इसका बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि पिच बेंड, हम लोग पिच बेंड करें प्लस 12 प्लस 12 माइनस 12। हेलो चेक चेक चेक, हेलो वेट कर रहा है, पीच चेंज कर रहा है, ये नॉइज़ी हो गया, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता है। हेलो चेक चेक चेक, थोड़ा सा इधर भी चेंज करते हैं, बैंडविड्थ को थोड़ा बढ़ाते हैं, ऐसा करके देखिए हम जो बोल रहे हैं वो उसके हिसाब से इसका चेंजेस हो जा रहा है। हेलो हेलो चेक चेक, स्पीड थोड़ा बढ़ा देते हैं। हेलो चेक चेक चेक, अभी थोड़ा इसको बैंड को बढ़ा के 24 कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा पीच बैंड को हम नॉर्मल 2 में ले आते हैं। हेलो हल्का सा फाइन ट्यूनिंग कर सकता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ग्लूइट को। हेलो चेक चेक चेक, हेलो 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 चेक 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 चेक, हेलो 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 हेलो, हो रहा है चेंज हो रहा है, अच्छा करके सुनिए, देखिए बहुत बहुत कुछ हम कॉर्ड चेंज कर रहे हैं, कॉर्ड चेंज कर साथ साथ ये भी चेंज हो जा रहा है, और इसका साथ साथ देखिए ये हम जी में सी में चला गया, उसके बाद एफ में चला गया, उसके बाद जी में चला गया, उसके बाद सी में आ गया, तो ये पूरा चेंज हो रहा है। ब्यूटीफुल प्लगइन, आप लोग अगर यूज़ करोगे तो मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ जगह पर ऐसा टाइप का काम कर सकते हो, मगर इसके अंदर बहुत सारा सेटिंग्स जो जो है हम लोग सी का बेस का ऊपर कर सकते हैं, सी शार्प और पूरा पूरा 12 स्केल का कोई भी स्केल में हम लोग इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि फिल्टर फिल्टर बैंक जो है, इसको हम लोग बैंड बढ़ा सकते हैं, बैंड मतलब क्या है, दो दो एक साथ वोकोडर का साथ काम करेगा, ये 5 करेगा, ये 16 करेगा, और इसका साथ साथ मैक्सिमम 24 बैंड्स में हम लोग काम कर सकते हैं। पिच बैंड का साथ अगर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पिच बैंड करके थोड़ा सा जस्ट कुछ फंकी टाइप का कुछ काम कर सकते हो, और स्पेशल इफेक्ट के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ब्यूटीफुल प्लगइन इसका है, और इसका बहुत सारा प्रीसेट भी है, आप लोग ये भी देख सकते हो। ये प्रीसेट का अंदर जैसे कि कुछ कुछ ऐसा प्रीसेट है, रोबोट रोबोट वॉइस, जैसे कि अगर अगर करना चाहते हो तो रोबोट वॉइस का टाइप आ जाएगा, तो इसको ऑन करते हैं। हेलो हेलो चेक चेक चेक, हेलो हेलो, हाँ अभी ये रोबोट वॉइस का रोबोट वॉइस में काम कर रहा है, और इसका साथ साथ हम जो कॉर्ड दे रहा है वो कॉर्ड में चेंज हो जा रहा है, कॉर्ड हम सेम ट्यून में बोल रहे हैं मगर ये पूरा चेंज होता जा रहा है, जो कॉर्ड हम चेंज कर रहे हैं वो कॉर्ड में चला जा रहा है, तो राइट हैंड में जो हम लोग कीबोर्ड में कॉर्ड दे रहे हैं तो वो कॉर्ड का हिसाब से ये काम कर रहा है। तो हमको लगता है ये बहुत अच्छा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ये प्लगइन यूज़ करते करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो ये प्लगइन ओनली क्यूबेस 13 और प्रो और न्यूएंडो 13 प्रो इसके अंदर ही है,
क्यूबेस 12 में प्लगइन नहीं मिलेगा। तो हम पहले बोला था आप लोगों को जितना सारा क्यूबेस और निवंडो का हम बनाएंगे वीडियो, तो उसमें अभी नया प्लगइन के बारे में बोलेंगे। उसके बाद जो टेक्निकल बात है, जैसे कि जो हम लोग काम करते हैं जब हम लोग ट्रैक बनाते हैं, तो उस टाइम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो हम लोगों को ट्रैक बनाने में और भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वो भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और जो नया लोग है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो लिंक। थैंक यू दोस्तों। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साउंड नॉलेज को और करिए अपने म्यूजिक कॉम्पोजिशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।